ऑलराइट, सो गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बड़ा अपडेट आपको देना है क्या, अभी तक ट्रैवल एंड ऑल का सीरीज ला के तो हो गया, अभी टाइम आ गया है हमारे फ्यूरी को अपडेट करने का। मैं अपडेट बता रहा हूँ, अपग्रेड नहीं बता रहा हूँ, तो दोनों में फ़र्क समझ। अपडेट यानी कि अभी हम फ्यूरी में मॉडिफिकेशन करने वाले, एक अच्छा खासा मॉडिफिकेशन मैं सोच के रखा हूँ, पूरा चालू कर दिया हूँ क्या 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 लाना है, कैसे करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें मेरे को ऑर्डर करनी है। ऑलमोस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा तो मैंने उसका ऑर्डर भी चालू कर दिया है अभी अभी। धीरे धीरे जो अपकमिंग सीरीज़ आएगी, सीरीज़ ही बोल सकते हैं ऐसे, क्योंकि धीरे धीरे मैं जो भी मॉडिफिकेशन इसमें कराऊंगा वो सब लोग आप लोग को आने वाले ब्लॉग्स में मिल जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि RR 310 का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसके पार्ट्स जल्दी अवेलेबल नहीं होते या फिर कहाँ पर मिलते किसी को मालूम नहीं है ज़्यादा। तो आने वाले सीरीज़ में आप लोग को क्या क्या मॉडिफिकेशन आप भी अपने RR में कर सकते हो ये भी पता चल जाएगा, पार्ट कहाँ से ऑर्डर करना है सब पता चल जाएगा। क्योंकि जो भी पार्ट मैं मंगाने वाला हूँ वो पूरा लिंक उसका मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से जो है आप खुद भी अपना पार्ट ऑर्डर कर सकते हो, तो वो एक अच्छा रहेगा। और आज के ब्लॉग में मैं पहले तो जो छोटे छोटे अपडेट थे वो कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे कि मेरे को विंगलेट लगाना था, मेरा पहला वाला विंगलेट जो गिर गया था किधर मेरे को तो याद भी नहीं कौन से राइड में गिरा था वो, तो पहले तो विंगलेट लगाऊंगा। विंगलेट लगाने के बाद फिर उसमें लगाना है इंडिकेटर, नए इंडिकेटर लगाता हूँ। मेरे को विंगलेट हो गया, इंडिकेटर हो गया, फिर बाद में लगाना है लीवर गार्ड, लीवर गार्ड एक लगाना है मेरे को, और सबसे मेन सीट, पीछे का सीट इतना मतलब इतना हार्श है ना कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है जब पिलियन कोई बैठता है, तो बहुत हार्ड है वो सीट। तो पहले आज उसमें कुशनिंग भी करा लेता हूँ सीट का, ये चार चीज़ आज एक ब्लॉग में हम कर देंगे तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। और मैं जो भी पार्ट है आज लगाने वाला वो पूरा लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी मैं पहले तो जा रहा हूँ मज़र के पास, पहले वहाँ पे जो छोटे मोटे पार्ट है वो सब वहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे कि ये तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, विंगलेट हमारा आ गया है, बाद में लीवर गार्ड भी हमारा आ गया है, और जो इंडिकेटर है वो तो मैं बाजू में मुरली के शॉप से ही लेके लगा दूँगा। तो मैं ये जो मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ना ये बजट को ध्यान में रख के कर रहा हूँ, तो आप लोग को ऐसा नहीं है कि हाँ पार्ट्स मिल रहे हो सब कॉस्टली पार्ट है, ऐसा नहीं है, हो सके उतने सस्ते में आप लोग को ये पार्ट्स अवेलेबल कैसे हो गए, क्योंकि मैं पूरा रिसर्च करके ये सब मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहो, कैसे क्या कर रहा हूँ मैं सब मालूम पड़ेगा आपको। ऑलराइट, तो गाड़ी हमारी लग गई है पैडॉक में, और सबसे पहले इंडिकेटर चेंज कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं RR पहले से तो कंपनी का ही लगा रहा था, मगर अभी ये KTM वाले लगाना चालू कर दियो, क्योंकि कंपनी का लेके भी कुछ मतलब नहीं है, लिटरली बोल रहा हूँ वो टिकता ही नहीं है। मतलब एक 1200 रुपये का इंडिकेटर, तो वो भी एक पीस है, दोनों का नहीं बोल रहा हूँ, 1200 रुपये एक आता है इंडिकेटर और वो टिकता ही नहीं है, तो फिर ऐसे आफ्टर मार्केट लगाने पड़ रहे हैं। हाँ, तो अभी फ़िलहाल हम लगाने वाले पहले इंडिकेटर, फिर उसके बाद यहाँ पर जो लीवर गार्ड लाया हूँ लीवर गार्ड इधर लगाऊँगा, और विंगलेट्स, ये तीन चीज़ें अभी लगा लेता हूँ। पहले आप लोग को दिखा देता हूँ क्या 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 करना है। ये विंगलेट जो मेरे पहले वाले टूट गए थे तो अभी ये वाला लगा रहा हूँ, और ये लीवर प्रोटेक्टर, ये बहुत मुश्किल से मिला और बहुत सही दाम में मिला है। फुल बाकी अभी जो लुक आएगा ना RR का यार, मतलब मॉडिफिकेशन जो सोचा हो ना जैसे मैंने प्लान किया वैसे हो गई ना, तो भाई वन एंड वनली RR बनेगी। तो पहले इंडिकेटर लगने दो, फिर बाद में हम लोग ये भी लगा लेंगे और फिर ये भी लगा देंगे। जब तक वो कर रहा है ये काम तो अपन भी कर लेते ना आधा, वैसे भी तो सिंपल ही है। हो गया ना इंडिकेटर भी, क्या दिख रही है, इंडिकेटर हो गया, लीवर गार्ड लग गया,
अभी बस विंगलेट बाकी है, तो विंगलेट भी अभी लगा देता हूँ। मतलब आज का तीन जो चीज़ से वो लगाने के वो लग जाएंगे। इसको बंद करता हूँ। किसको नहीं रहने तो मैं निकाल लूँगा। पहले इसका निकाल दब तक। बेसिकली ये तो प्लग एंड प्ले है, इसके लिए ये सब तीनों पार्ट में एक ही ब्लॉग में कवर करा था, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं जाने वाला था, सब प्लग एंड प्ले था। ये दूसरा भी निकल गया, बस एक बाकी है, ये हो गया तो ये भी लग जाएगा हमारा। कभी कभी नाखून नहीं होने का भी बहुत लॉस है यार, वो नाखून चाहिए था। तीसरा भी निकल गया। पहले पोर्शन एकदम अच्छे से साफ कर लेता हूँ। अभी क्या व्यू आ रहा है देखो, इंडिकेटर भी लग गए, विंगलेट भी लग गई और नए वाले लीवर गार्ड भी लग गए। सॉर्टेड। तो चलो पहले अभी इसको वॉश कराता हूँ, क्योंकि बहुत धूल बैठ गई है। एक फोम वॉश तो ये अभी डिजर्व करती है, तो चलो पहले फोम वॉश करा लेते हैं अभी इसको।